हेलो एवरी वन वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेज सो डियर स्टूडेंट इन दिस लेक्चर डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हमारे टॉपिक का नेम है बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये हमारे एग्जीक्यूटिव पॉजिशन का जैसे हमारे थ्री ऑर्गन से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम इसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पार्स होती हैं और वो कंट्री को कैसे रन करता है तो ये टॉपिक थोड़ा सा एग्जाइटिंग होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में सारे जानना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट होता है क्या उसके पास पार्स होती हैं तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम आज का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ओनली अ पर्सन ही एंड शी ही और शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री अब मैं थ्री कैटेगरीज uh, में थ्री नॉट ओनली अ पर्सन यहाँ पर ही शी और यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन सिर्फ एक पर्सन नहीं होता पर्सन तो है बट नॉट ओनली अ पर्सन सिर्फ एक पर्सन नहीं है ही और शी ही और शी यहाँ पर इसलिए किया है एम्फोसाइज करने के लिए जेंडर इक्वालिटी के लिए यूज़ किया है कि ही और शी मीन्स जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो मेल भी, भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि मेल ही होगा या फीमेल ही होगा तो दोनों हो सकते हैं इसलिए मैंने इस चीज़ यहाँ पर ही और शी यूज़ की है तो प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ओनली अ पर्सन ही इस चीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉटेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है हमारी कंट्री का क्योंकि हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर पर्सन की वैल्यू नहीं होती है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की वैल्यू है उसके इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है क्योंकि हम पर्सन की वैल्यू बाद में हैं जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट को सलाम करते हैं लोग तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसकी ऐसी पोस्ट है जो पूरी जिस पर पूरी कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है या जो हमारी कंट्री के फ्यूचर को डिसाइड करती है कैसे डिसाइड करती है करती है पॉलिसीज़ बनाती है और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करती है कंट्री में क्या होना चाहिए कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अब देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते ही नहीं है अब आप कहोगे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे चूज कर लिया जाता है कोई भी पर्सन आके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो ऐसा नहीं है तो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ जैसे हमने आ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूंसिस में डिवाइड करते हैं हम जब भी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो हमारी जो कंट्री है वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए 545 फोर्टी में डिवाइड है 545 में से जो टू हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं अगर उसको अलग कर दिया जाए तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए और 545 में अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं कंटेस्ट करते हैं उसमें से एक मैंबर जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतता है वो बनता है लीडर वहाँ का वो बनता है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया होता है अब देखो कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी 543 क्योंकि टू मैंने नॉमिनेटेड अलग कर ली अब 543 में से कितने एम पी चूज़ किए जाएंगे कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज किए जाएंगे 545 जो किसके मेंबर्स होंगे जो लोकसभा में आ, के मेंबर्स होंगे और जो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे जैसे कोई भी एम पी इलेक्ट होता है तो वो किसका बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का मेंबर बन जाता है जिन लोगों को हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया होता है लोकसभा मतलब विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री तो हमने उन 543 फोर्टी थ्री मेम्बर्स को फाइव फोर्टी फाइव मेम्बर्स को इलेक्ट किया है अब वो क्या करेंगे अब उसमें से फाइव फोर्टी थ्री में से जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलेंगी स्पोजिंगली आप देखिए थ्री पार्टीज़ हैं हम सपोज कर लेते थ्री पार्टीज हैं अब फर्स्ट पार्टी है हमारी बीजेपी बीजेपी को मिली हैं सपोजिंगली थ्री हंड्रेड सीट्स मिले हैं ठीक है और जो कांग्रेस वाली पार्टी है उसको मिली है 150 सीट्स ठीक है और पेंडिंग कितनी रह गई है हमारी अगर हम 545 में से माइनस करें हमारी रह जाएंगे नाइन्टी उसके लिए हम बोल रहे थे आम आदमी पार्टी को सीट्स मिली हैं तब तो आप देखिए जो ज़्यादा सीट्स मिली हैं वो किसको मिली हैं बीजेपी को मिली हैं थ्री हंड्रेड सीट्स अब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मतलब जो चूज़ किए गए मेंबर्स वो थ्री हंड्रेड मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट किसके हैं वो एम किसके हैं वो बीजेपी के हैं सीट्स मतलब वो कैंडिडेट्स वहाँ से चूज किए गए हैं तो थ्री हंड्रेड मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं तो वो क्या होंगे मेजॉरिटी मेजोरिटी में आ गए अब जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर इलेक्ट हो जाएगा ठीक है और उसको कौन अपॉइंट करेगा प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि प्रेजिडेंट जिसको मर्जी चाहे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है नहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आए और मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाए ऐसा नहीं है उसके लिए क्या होता है जो मैंने अभी बताया लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी या तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो या कॉलिजन पार्टी का लीडर हो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अब देखिए लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी मैंने आपको बता दिया कि 300 है 150 है और 95 है 272 सीट्स होती हैं हमारी अगर 272 सीट्स से ज़्यादा किसी पार्टी को सीट्स मिलती हैं मतलब 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक पार्टी के चूज़ किए जाते हैं वो हाफ से ज़्यादा हो गई तो अगर हाफ से ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं तो वो मेजोरिटी पार्टी बन जाती है और मेजोटी पार्टी का अगर जो लीडर होता है मेजोरटी पार्टी में से अब सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जैसे थ्री uh, हंड्रेड मम्बर्स है थ्री हंड्रेड मम्बर्स अपने में से कहेंगे कि हमारे में से ये लीडर है Uh, मतलब थ्री हंड्रेड मेम्बर्स में से हमने ये लीडर चूज़ किया है जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा मीन्स जो हमारी पार्टी का लीडर बनेगा अब उस लीडर को प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर और अब कॉलिजन वाले में क्या है मान लो सपोजिंगली किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है और चार पार्टीज हैं किसी को हंड्रेड मिला है किसी को वन फिफ्टी मिला है किसी को सेवनटी फाइव मिला है किसी को फिफ्टी मिला, मिला है किसी की टू हंड्रेड सीट्स हैं अब इसमें क्या करेंगी दो पार्टीज़ मिलकर कॉलिजन बना सकती हैं या थ्री पार्टीज़ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना सकती हैं तो जब कॉलीजन मतलब होता है जब दो या तीन पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो वो अपने आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हमारे में से कौन सा लीडर बनना चाहिए कौन सी पार्टी का तो या तो कोलिजन पार्टी में से या मेजोरटी मेजॉरिटी मैंने आपको बता दिया है जब आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो मेजोरटी पार्टी का लीडर बन जाता है और अगर किसी भी पार्टी को मेजोरटी नहीं मिलती तो वो दो या तीन पार्टीज़ आपस में ज्वाइन होकर एक गवर्नमेंट बनाती है उसको हम बोलते हैं पार्टी अब कॉलिजन में से क्या होगा वो आपस में डिसाइड करेंगी पार्टी की हमें से कौन लीडर अपॉइंट होगा तो उसको प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है एजिस्टर का क्या है डेविकर का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है ही कंटिन्यूज इन पार सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कॉलिजन मतलब यह है कि वो तब तक लीडर बनेगा तब तक लीडर रहेगा जब तक मै मेजोरिटी पार्टी उसके फेवर में है क्योंकि अगर मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तो अगर ये नहीं है कि पाँच साल हमने फिक्स कर दिया तो वो मिनिस्टर पाँच साल के लिए रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर पाँच साल के लिए रहेगा नहीं अगर लोकसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सपोर्ट शो नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के लिए तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है या कोलिजन पार्टी है वो आपस में जैसे तीन पार्टीज़ मिलकर Uh, काम कर रही होती हैं तीन पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं उन तीन पार्टी में से एक पार्टी अपना फेवर वहाँ से ले लेती है तो उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती तो वहाँ भी सरकार गिर जाती है मतलब सरकार नहीं बन पाती है तो प्राइम मिनिस्टर का फिक्स पीरियड होते हुए भी उसका फिक्स पीरियड नहीं होता अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है मेजोरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है या कोलिजन पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि हमारे में से कौन लीडर बनेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा अब आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो कई बार ऐसा होता है बार, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है या कई बार कॉलेजन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती है मतलब दो या तीन पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फ्रेम नहीं करना चाहती वो आपस में मिलकर काम नहीं करना चाहती और मेजोरिटी भी नहीं मिली है तो उसमें हम सरकार कैसे बनाएंगे उसमें सरकार बनाना मुश्किल है क्योंकि सरकार कैसे बनेगी ना किसी पर्सन को मेजोरिटी आपने शो की है कि उसको उस पार्टी में से कोई लीडर अपॉइंट कर दिया जाए या कोई कॉलीजन गवर्नमेंट भी नहीं बनी है कि अगर कॉलीजन गवर्नमेंट बनती कि दो या तीन पार्टीज में आपस में एक लीडर डिसाइड कर लिया वो भी नहीं हो रहा तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट करेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए किसका रोल प्ले किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेजिडेंट का तो इस लेक्चर में मैं आपको प्रेजिडेंट के रोल के बारे में नहीं बताऊंगी वो हम प्रेजिडेंट के जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगी तो ये था टॉपिक जिसमें अभी हमने प्रेसिडेंट की मेन देखा है कि प्रेसिडेंट क्या होता है और कैसे उसका इलेक्शन होता है अब डिस्कस करते हैं पार्ट्स ओ प्राइम मिनिस्टर अब हमें ये तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव में उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है अब तो प्राइम तो मिनिस्टर की पार्ट्स भी क्या होंगी बहुत ज्यादा होंगी तो प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पार्ट्स और अब कौन कौन सी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग तो अब इस कैबिनेट मीटिंग को हम रिलेट करते हैं आपके स्कूल से जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कैबिनेट मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में आपके डिसिप्लिन uh, इंचार्ज हो गया उसका स्पोर्ट्स का इंचार्ज हो गया अकेडमिक्स को देखने वाला इंचार्ज तो तो, तो, हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट इंचार्ज डिफरेंट डिफरेंट हेड चूज़ किए जाते हैं और वो डिफरेंट हेड्स मिलते हैं तो कैबिनेट बनता है अब कैबिनेट को कौन जज करता है कौन उसको आ, किसके अंडर चलता है वो हेड बॉय और हेड गर्ल के अंडर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हो गए डिसिप्लिन हो गया स्पोर्ट्स का हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट हेड जो है वो कैबिनेट के अंडर आते हैं और कैबिनेट को कौन चलाता है हेड बॉय और हेड गर्ल यही होता है स्कूल में इन द सेम वे ऐसे ही होता है कंट्री में कंट्री में क्या होता है कैबिनेट uh, होते हैं और कैबिनेट में अलग अलग इंचार्जेज होते हैं जैसे होम मिनिस्टर हो गया फाइनेंस मिनिस्टर फ़ॉरन अफेयर्स मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग मिनिस्टर्स हैं तो ये सारे कैबिनेट्स हैं इन कैबिनेट का हेड कौन होता है इन कैबिनेट को कौन जज करता है इन कैबिनेट को कौन कॉर्डिनेट करता है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर इनको कौन कैबिनेट को कौन जज करता है कौन चेयर करता है इनकी मीटिंग्स को प्राइम मिनिस्टर तो जो सारे के सारे जो ये कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं वो किसके अंडर होती हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है जो ये कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें डिस्कशन होता है अलग अलग इश्यूज को लेकर अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर अब कैबिनेट इनके अलग अलग कैबिनेट मीटिंग्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जैसे मैंने आपको बताया होम होम मिनिस्टर का हो गया फाइनेंस का हो गया फॉरेन अफेयर्स का हो गया एग्रीकल्चर ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके सारे के सारे के वर्क को कौन कोऑर्डिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट करता है एंड हिज हिज डिसीजनस आर फाइनल और जो भी डिसीजन लेता है वो कौन लेता है प्राइम मिनिस्टर लेता है इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है डिसेटिस्फेक्शन uh, हो जाती है डिसएग्रीमेंट हो जाती है तो किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा वो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन प्रिवेल करेगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स कंडक्ट करवाता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग्स को ये चेयर करता है कोऑर्डिनेट्स करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को और अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो किसका डिसीजन प्रिवेल करता है प्राइम मिनिस्टर का ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप सारे के सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में चूज किए जाते हैं वो सारे मिनिस्टर किसके अंडर वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं ही डिस्ट्रीब्यूट एंड री डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर के पास ये पार होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से मिनिस्टर्स को डालता है उनको कौन कौन सी पार्स देता है और उनको uh, अगर उसको लगता है इस डिपार्टमेंट में ये पर्सन काम नहीं कर रहा तो वो डिपार्टमेंट में उस पर्सन को चेंज भी कर सकता है तो ये किसके हाथ में है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ही ऑल्सो हैज़ अ पार्ट टू डिसमिस मिनिस्टर वही क्या मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि अगर कोई मिनिस्ट्री काम नहीं कर पाती है कोई मिनिस्टर काम नहीं कर पाता है तो ये इसके पास इतना राइट होता है प्राइम मिनिस्टर के पास इतना राइट होता है कि वो उस मिनिस्टर को डिसमिस कर सके और ऐसा भी होता है वैन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स और जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो जो कैबिनेट मेम्बर्स उसने चूज़ किए जाते हैं जो उसके मेम्बर्स होते हैं वो सारे मेम्बर्स को भी क्विट करना पड़ता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग को चेयर्स करता है कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और अगर डिपार्टमेंट में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो डिसीजन का राइट right किसके पास होता है प्राइम मिनिस्टर के पास ऑल द मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप सारे मिनिस्टर उसकी लीडरशिप के अंडर वर्क करते हैं और उसके पास पावर होती है वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है और न्यू मिनिस्टर वो चूज़ कर सकता है मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसकी उसको वर्क अब क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अब हम थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है कि ये बन गया प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट में कौन काम कर रही है कैबिनेट काम कर रही है सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं सारे डिपार्टमेंट्स मिला के कैबिनेट बना रहा है ठीक है अब कैबिनेट्स काम कर रहे हैं पर मेन पावर किसके पास होती है प्राइम मिनिस्टर के पास हम बोलते हैं ना कि नहीं सारे कैबिनेट्स वर्क कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास पार नहीं है और इसकी पार को आ, पार्लियामेंट में आ, और पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल भी किया जा सकता है बट फिर भी जो मेन पार होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होती है पूरी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है चाहे हम कहें उसकी पार को आ, कम किया जा सकता है ज़्यादा किया जा सकता है पर मेन रोल कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करता है मेन रोल कौन प्ले करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अब रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग द पार ऑफ पी एम अब पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया का मेन रोल होता है पार को इन्फ्लुएंस करने के लिए पीएम की पार को इन्फ्लुएंस करने में अब रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है देखो प्राइम मिनिस्टर ऐसे तो कोई पर्सन हमने चूज नहीं कर लिया अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही लीडर बनेगा अगर जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है या को से जो गवर्नमेंट बन रही है उसके लीडर को तो अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई भी प्राइम मिनिस्टर को हमने चूज़ हमने नहीं चूज़ किया वो इनडली चूज होता है प्रेजिडेंट चूज़ करता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका रिलेशन होता है तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी भी आ, जो इलेक्शनस हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आप बिना कंटेस्ट किए और आप जीत जाओ और आपको कंटेस्ट करने पड़ेंगे वहाँ से आपको जीतना पड़ेगा उसके बाद आपकी पार्टी को मेजोरटी मिलेगी और आपकी पार्टी को अगर मेजोरिटी मिलती है तो आपकी पार्टी के जो सारे लीडर्स हैं वो आपको चूज करें एज अ प्राइम मिनिस्टर कि हमारी प्राइम मिनिस्टर हमारी जो पार्टी में हैं वो ये बनना चाहिए तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो तो प्राइम मिनिस्टर जो बना है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो वो अपनी सारी जो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है अपनी पार्टी के सारे काम करवाता है और अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को रन करने की कोशिश करता है वो है और मीडिया का मीडिया का रोल क्या है मीडिया एक पर्सन की इमेज को आ, शो करती है कंस्ट्रक्ट करना भी और डिस्ट्रक्ट करना भी किसके हाथ में होता है मीडिया के हाथ में होता है अगर मीडिया में हम देखें किसी पार्टी को बहुत किसी पार्टी के लीडर को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है तो मन में एक इमेज बन जाती है लोगों के मन में एक इमेज बन जाती है नहीं ये लीडर अच्छा है तो मीडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइम मिनिस्टर की पार को शो करने में उसकी पार को इन्फ्लुएंस करने में अब है द एक्सटेंट ऑफ पार ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन अब जो पार है अब हम देखें एक पर्सन मान लो हमारे स्कूल में अगर स्कूल की बात कर लें एक प्रिंसिपल आई है पर उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लग रहा या उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी डिसीजन को क्विकली ले सके या कुछ अब मतलब कोई पॉलिसी डिसीज़न बड़ी जल्दी ले सके ऐसा उसके हाथ में नहीं है तो उसकी जो पर्सनैलिटी ऐसी लगेगी कि लोग उसकी बात मानेंगे ही नहीं और उसके पास पार होने के बावजूद भी वो स्कूल को चला नहीं पाएगी ढंग से क्योंकि उसके पास ना तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी शो हो रही है और ना उसके पास डिसीजन लेने की पार है ना न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी है तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर में होता है अगर प्राइम मिनिस्टर की जो पार है वो किस पर डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी पर जैसे हमने देखा था इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा था वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी वो डिसीज़न क्विकली लेती थी और वेलफेयर के लिए काम करती थी उसको मेजॉरिटी मिली थी उस टाइम पर कि सारे लीडर्स उसके अंडर वर्क करते थे ऐसे पीएम मोदी हैं जैसे हम देखते हैं उनकी एक पर्सनालिटी शो करती है कि उनके पास मेजोरिटी को वो हैंडल करके चल रहे हैं मेजोरिटी से वो लीडर बने हैं और सारा सारी के सारी कंट्री उनके अंडर चल रही है और सारे मिनिस्टर्स उनको उनके अंडर वर्क कर रहे हैं तो एक पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो पोजिशन होल्ड कर रहा है तो द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन उस पर्सन person की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है कि वो पोजीशन होल्ड करने के लायक है अगर लायक है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है कि वो कंट्री को चलाने के काबिल है या नहीं है ठीक है इसके लिए डिसीजन को जल्दी से लेना पड़ेगा और न्यू पॉलिसीज़ लगानी पड़ेगी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा और ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ें नहीं कर पाएगा तो लोग उसको हटा देंगे तो ड्यू टू राइज ऑफ़ द कोलिशन पॉलिटिक्स अब कॉलिजन अब देखो क्या है अगर तो मेजोरिटी पार्टी से लीडर चूज होता है तो सारी पार्स उसके हाथ में होती है उसे किसी को नहीं देखना पड़ता वो अपने आप आराम से काम कर सकता है अपनी कंट्री के लिए उसे किसी से डिस्कस करने की मतलब अपने मिनिस्टर से तो डिस्कस करता है मतलब दूसरी पार्टी से डिस्कस करने की वो ज़रूरत नहीं होती कि उन, उनकी रजामंदी के बिना वो कोई काम नहीं कर पाएगा पर अगर कोलिजन हो गया है तो पार ऑफ प्रेजिडेंट जो होती है वो मैंने देखो यहाँ पर क्या साइन बनाया कि ड्यू टू राइज ऑफ कॉलीजन पॉलिटिक्स जो पार ऑफ प्रेजिडेंट है वो क्या हो जाती है डाउन हो गई है कम हो गई है कैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिजन पार्टी कैन नोट टेक डिसीजन एज ई लाइक जो प्राइम मिनिस्टर कोलिजन पार्टी का बनता है वो अपने अपने बिहाफ पर डिसीज़न नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता क्योंकि अगर वो दो या तीन पार्टी को मिलकर गवर्नमेंट बनी है तो तीनों पार्टी के जो हेड होंगे वो डिसीज़न लेंगे तो ही कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा मतलब जो जिसको एज अ प्राइम मिनिस्टर तीनों पार्टी ने मिलकर अपने में से एक लीडर चूज़ किया है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए तो वो अकेला प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले पाएगा जो दो पार्टीज जिसके साथ कॉलीजन गवर्नमेंट बनी है उन दो पार्टी का फेवर भी ज़रूरी होगा तब वो कोई डिसीजन ले पाएगा तो कोलिजन पार्टी में जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है ओके okay? अब देखो आपको मैं एक इक्वेशन से समझाती हूँ कि कोई कोलिजन गवर्नमेंट है इज इक्वल टू एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीपल कॉलेजन गवर्नमेंट ने डिफरेंट ग्रुप्स और पीपल को एकोमोडेट किया है डिफरेंट पार्टीज़ को एकोमोडेट किया है तो अगर कॉलेजन गवर्नमेंट में वेरियस ग्रुप मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो प्रेजिडेंट की पार क्या हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि एक मेन लीडर अपने बिहाव पर अपनी पार्टी के बिहाफ पर डिसीज़न नहीं ले पाता तो उनको दूसरी पार्टी के लीडर से सजेशन लेने पड़ते हैं उनके भी जो डिसीजंस होते हैं उनको अपने डिसीजन में इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि वो अकेला लीडर नहीं बना है दो या तीन पार्टीज़ मिलकर जो दो या तीन पार्टीज़ जो मिली हैं उनमें से जो लीडर्स थे उन उन्होंने अपने में से एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया तो बाकी पार्टीज़ के सजेशन या उनके डिसीजन को लेना ज़रूरी हो जाता है अब क्या है ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू ही और शी आप मैंने आपको पहले बताया मैं ही और शी क्यूँ यूज़ करती हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बॉय भी हो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है तो ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू हैड टू द व्यूज़ एंड पोजिशन ऑफ कॉलेजन पार्टनर्स बिकॉज़ देयर स्पोर्ट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ़ गवर्नमेंट वही बताया मैंने अभी कि अगर कोई भी पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है उसको व्यूज़ देखने पड़ते हैं कॉलेजन पार्टनर्स के उनकी पोजिशन देखनी पड़ती है क्योंकि अगर वो अपना स्पोर्ट हटा लेंगे तो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी गवर्नमेंट गिर जाएगी तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है जो अपने कोलिजन पार्टनर्स हैं उनके भी व्यूज़ को उनकी रिकमेंडेशन को देखना पड़ता है उसके बाद ही डिसीजन लेना पड़ता है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जिसमें हम मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पार्स होती हैं कैसे प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है और और कोलिजन गवर्नमेंट में कैसे प्राइम मिनिस्टर की पार रिड्यूस हो जाती है तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पार्ट्स के बारे में और अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ओके स्टूडेंट्स थैंक यू